शुक्रवार को इसराइल से लौटेंगे 230 भारतीय। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। इसराइल में भारतीय दूतावास ने भारतीयों को स्वदेश भेजने के लिए काम तेज कर दिया। वहां दूतावास के कर्मचारी 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि इसराइल में फंसे भारतीय लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। उन्होंने बताया कि इसराइल से चार्टर्ड विमानों के जरिए भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इसराइल और हमास में जारी जंग के बीच अरब देशों ने एक बैठक की। 22 देशों के संगठन अरब लीग ने गाजा में फिर से मूलभूत सुविधाएं शुरू करने की वकालत की। दरअसल इसराइल ने वहां के कई इलाकों में बिजली पानी समेत कई सेवाएं रोक दी हैं। इसी मुद्दे पर अरब देशों के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। उधर इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से दोहराया कि वो हमास को खत्म कर ही मानेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इसराइल हमास के बीच जारी जंग को लेकर बयान दिया और उन्हें इसराइल के समर्थन की बात दोहराई। साथ ही कहा कि जो कुछ हुआ उसे वो पूरी तरह से निराश हैं। कमला हैरिस के मुताबिक आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। उधर इस बीच तुर्की ने हमास की ओर से बंधक बनाए गए इसराइली लोगों को छुड़ाने की पेशकश की। यूनाइटेड नेशन ने भी भारत के वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को अपना लिया। दरअसल न्यूयॉर्क में उसके दफ्तर में इस संदेश से जुड़ी एक प्लेट लगाई गई। इसका अनावरण संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉ विनय सहस्रबुद्धे ने किया। वसुधैव कुटुंबकम वाली प्लेट में ही नीचे की तरफ द वर्ल्ड इज वन फैमिली अंग्रेजी में भी लिखा गया है।